हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे शो हो ही रहा है कि एसएससी जीडी 2025 की बहुत ही बम्पर वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। 39,000 अप्रॉक्स भर्ती आपके लिए आई है, तो बहुत ज़्यादा वर्क में आपके लिए वैकेंसी है और बहुत अच्छा मौका है आपको इस बार जुनून एक वर्दी लेना। आपका जो सपना है कि मुझको फौजी बनना है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में जाना है, तो उसी को तैयारी को आपकी बेहतर बनाने के लिए एसएससी जीडी मैथ्स के पोर्शन को कैसे करें तैयारी। आपने टैगलाइन जैसा कि आपका थंबनेल पर देख लिया, कैसे करें तैयारी और मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे हम सिलेक्शन ले जाएं और कट ऑफ में हमारा सिलेक्शन आ जाए। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से, कॉन्सेप्ट से तरीके से, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके से चीजें सिलेक्ट होती हैं। सेम टाइम दूसरे बच्चे को मिलता है, सेम आपको मिलेगा, तो उसी टाइम में, कम से कम टाइम में आपको स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे करें तैयारी, कैसे होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेबस का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें। देखो, एसएससी जीडी का जो अभी पैटर्न है प्यारे बच्चों, वो है आपका 2025 का, जिसमें चार सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, जनरल नॉलेज, आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी में से एक आपका ऑप्शनल होता है, जो आप लेना चाहें, इंग्लिश लेना चाहें या हिंदी लेना चाहें। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के इसमें से आते हैं। दो नंबर का रहता है एक क्वेश्चन और 40-40 मार्क्स के ये हो जाते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आपके में 80 क्वेश्चन और 160 नंबर के ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल जो अटेम्प्ट के लिए टाइम मिलता है आपको 1 आवर, यानी 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है यहां पर, ओके। अगर टाइम देख दिया जाए आपके लिए यहां पर ही 2 घंटे, तो सभी फौजी बन जाएंगे। तो टाइम का बहुत मैनेजमेंट का रोल है। कम से कम सेलेक्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, यही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो सही क्वेश्चन में से भी 1/4 आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ओके। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब 160 नंबर का आपका आता है और जो कट ऑफ जाती है आपकी वो जाती है 153, 155, इतनी कट ऑफ जाती है आपकी। स्टेट वाइज बात कर लेंगे 140, इस तरीके से ये कट ऑफ आपकी रहती है। तो आप समझ रहे होंगे कि कंपटीशन किस लेवल पर है। 160 में से 153, 155 नंबर आपको लाने हैं जब जाकर आपको सीआईएसएफ मनचाही पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए, इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए सभी पढ़ रहे हैं आज के जमाने में। कंपटीशन बहुत हाई है, सिलेक्शन वो लेता है जिसके पास कॉन्सेप्ट में दम है, जिसका सिलेबस अच्छे तरीके से टारगेट बेस्ड तरीके से तैयार है। उसी चीज को कंप्लीट कराने के लिए ये देखो, मैथ्स के सिलेबस की जैसे मैंने आपको बताया, ये टाइपिस्ट है थोड़ा, इसको मैथ्स नहीं किया है, ठीक है। क्या है, मैथ्स का सिलेबस जो एसएससी जीडी का है उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। बताओ, जब तक आपको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है, आधा अगर आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज है तो आधी लड़ाई तो युद्ध से पहले आप पहले ही जीत जाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप 5 घंटे आपके पास हैं, तो 5 घंटे में से 4 घंटे तो आप अपने जो औजार है, कुल्हाड़ी है, उसको धार बनाने के लिए लगाइए और 1 घंटे आप लड़ सकते हो। अगर आपकी धार ही कमजोर है उसकी, तो आप 5 घंटे भी आपको काटने के लिए, मारने के लिए दे दिए जाए तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका चैप्टर रहता है प्यारे बच्चों, अनुपात समानुपात, एज से क्वेश्चन पूछता है आपका, यहां से 2 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी पूछ लेता है। एज से 1 क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन पूछता है, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट यहां से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सिंपल स्टैंड से आपका साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से 1 प्रश्न मिलेगा, पाइप एंड सिस्टम से, एक टंकी और पाइप से मिलेगा। अगला है आपका टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन, यहां से भी 1 प्रश्न आपको कंप्लीटली एग्जाम में आपको मिलेगा। उसके बाद बॉट एंड स्ट्रीम ये मिल जाएगा, पार्टनरशिप मिलेगा। ये आपका जो ग्रीन हो रहा है, आप कहोगे सर ये क्यों कर रखा है, तो ये आपके सिलेबस में अबकी बार ये 2 चैप्टर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको इसकी भी तैयारी दोनों चैप्टर उसकी कराने वाले हैं कि इन फ्यूचर पूछ भी सकता है, ठीक है। चलो,
तो मिक्सर एंड एलिगेशन। आगे बढ़ते हैं, और भी चैप्टर हैं आपके रिमेनिंग। एवरेज आता है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा क्या है आपका चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एलसीएम और एससीएफ है, सिंप्लीफिकेशन, मैंसुरेशन 2D और 3D। एडवांस का सिर्फ एक पार्ट आता है इसमें, मैंसुरेशन ओनली, पूरा ही और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो जीडी के लिए सबसे सिंपल चीज क्या हो जाती है, यहां एडवांस में हिसाब से नहीं पूछा जाता है, ओनली आपको मेंसुरेशन पढ़ना है एडवांस के पार्ट में से। बाकी आपके कितने 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं तो मैथ्स में आपके 40 में से 40 कोई नहीं रोक सकता, अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ाई करते हैं और विद बेस्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये मैथ्स का आपका है, क्या है प्यारे बच्चों, ये मैथ्स का पोर्शन है आपका। ठीक, जैसा मैंने बताया आपको, अब इसी चीज को अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर इतना बड़ा ये मैथ्स का सिलेबस बता दिया आपने, सर जीएस का भी है, हिंदी का भी है, इसको करेंगे कैसे। देखो डेली आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है हमारी, डेली आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है, मॉर्निंग में 10 बजे से आपकी हिंदी चलती है, 11 बजे से आपका मैथ का क्लास चलता है प्यारे बच्चों, मैथ्स हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपका शाम को 7 बजे से आपकी 9 बजे तक जीएस का पोर्शन चलता है, कितना चलता है जीएस का इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। उसके बाद 9 से आपका चलता है रीजनिंग, 9 से क्या चलता है रीजनिंग का। जो भी बच्चे अगर सिलेबस जिन्होंने कर रखा है एक बार, उनके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, आप सिलेक्शन ले जाओगे बस इस चीज पर जुड़े रहते हो तो। लेकिन जिन बच्चों के पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जिन्होंने पहले तैयारी भी नहीं की है, उनको इससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ किसी भी चैनल पर कहीं भी भटकते रहना, ओनली यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए सभी बच्चों को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, संकल्प बैच। क्या है प्यारे बच्चों, संकल्प बैच एक आपका लॉन्च कर दिया गया है एसएससी जीडी के लिए, बहुत ही नामात्र शुल्क में। अभी के लिए आपको क्या करना है, सक्सेस ज्ञान क्लासेज ऐप इंस्टॉल करना है अपनी एप्लीकेशन फोन में, ठीक है, प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और वहां पर ये कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। हिंदी आपको करा रही हैं कल्पना मैम, उसी के साथ मैथ्स की जिम्मेदारी आपकी 40 के 40 नंबर मेरे हैं, ठीक है, मैं कराने वाला हूँ। ऋषि सर रीजनिंग कराते हैं और मनोज सर और उनकी टीम कराती है आपकी जीके जीएस के पोर्शंस को। तो इसी पूरे पोर्शन को देखते हुए बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 499 में ये आपका कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है आपको, कितने में 499 में। अगर इसी को ऑफर को भी रखते हुए अगर आप कोड लगाते हैं इसमें से नवनीत 20, तो यही कोर्स 399 में आपको अभी आज के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी मिलेगा आपको इसमें, क्लास नोट्स जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस क्लास प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगी, और एक्सपीरियंस फैकल्टी आप देख ही रहे हैं, डेली आपकी क्लास चल रही है बेहतरीन तरीके से। कोई भी आपका एरर, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कोर्स परचेज करने में, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन, इस पर आप कॉल करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से जाएंगे सक्सेस ज्ञान ये ऐप पर, और यहाँ से इसको कर लीजिए आप इंस्टॉल। अगर आप कोर्स भी नहीं परचेज करना चाहते हैं फिर भी आप एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट डेली आपको संडे में, हर संडे में लाइव मॉक टेस्ट मिल रहा है जीडी की तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीके से। तो इसी जुनून को इसी तरीके से अपना एक वर्दी आपको अगर पानी है तो जुड़ जाइए हमारे साथ बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यही था कि आपको सिलेबस डिस्कशन करना था और कैसे करेंगे तैयारी, सारी स्ट्रेटजी मैं बात कर रहा हूँ, आगे की स्ट्रेटजी जो प्रीमियम है वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगी। ठीक है, आपको मैंने रास्ता बता दिया है, अब रास्ते से आगे मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको उस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, उसको करने के लिए आपको जाना होगा। बाकी फ्री क्लासेज आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे लाइव पर डेली जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।